हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोहॉलिक लाइफ। मैं हूं सनी मिश्रा और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे बोट प्रो गेयर V20 स्मार्ट बैंड का। ये IP68 रेटिंग और 2.5 सेंटीमीटर की स्क्रीन के साथ आती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको ब्लूटूथ 4.0 मिल जाएगा और इसकी 90mAh की बैटरी अप टू 10 डेज की बैटरी लाइफ क्लेम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज अ बॉक्स। फ्रंट में हमें बोट की ब्रांडिंग, प्रोडक्ट इमेज और मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है। साइड में स्मार्ट बैंड के फीचर्स शो कर रखे हैं और बैक पे भी की फीचर्स लाइक फुल टच कलर डिस्प्ले और हार्ट रेट मॉनिटर मेंशन्ड है। सो लेट्स क्विकली अनबॉक्स देम। बॉक्स के अंदर हमें वारंटी कार्ड और कुछ मैनुअल्स मिल जाती है। इसमें आपको चार्जर नहीं मिलता क्योंकि ये डायरेक्ट किसी भी USB पोर्ट से चार्ज हो सकती है। तो चलिए लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट दी बोट प्रो गेयर V20 स्मार्ट बैंड। बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी कैप्सूल में ABS प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और इनके बैंड TPU मटेरियल से बने हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं और लॉन्ग आर तक बैंड को वियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसमें आपको 0.98 इंच की कलर टच स्क्रीन मिल जाती है जिसके नीचे एक टच सेंसिटिव बटन भी है जो एज अ बैक बटन भी काम करता है। इसकी बैक साइड पर हार्ट रेट सेंसर मिल जाएगा जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80-90% है। इसमें आपको स्वाइप जेस्चर मिल जाते हैं टू नेविगेट ऑन द UI ऑफ द स्मार्ट बैंड। अगर आप अपवर्ड स्वाइप करें आपको मेन्यू ऑप्शन मिल जाएंगे लाइक ट्रेनिंग, माइंडफुलनेस, नोटिफिकेशंस, म्यूजिक कंट्रोल और एक मोर को ऑप्शन जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इंक्लूडिंग वॉच फेस चेंज करने का। इसमें 5 तरह के वॉच फेस दिए गए हैं जिनको आप अपनी पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। और अगर आप होम स्क्रीन से लेफ्ट स्वाइप करें तो आपको हार्ट रेट, स्टेप काउंट, कैलोरी बर्न जैसे मेन्यू ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपको इस वॉच पे कॉल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती हैं और वाइब्रेशन भी अच्छी है इस बैंड की। बात करो इस स्मार्ट बैंड के ऐप की तो वो भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा है। इसमें आप अपनी एक्टिविटी का ग्राफ देख सकते हैं। इसके अलावा फीचर ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। इस वॉच में आपको फाइंड माय ब्रेसलेट का ऑप्शन नहीं मिलता और आप ये भी नहीं चूज़ कर सकते कि कौन से ऐप से आपको नोटिफिकेशन मिले और किन से नहीं। अब आ जाते हैं इस वॉच के कॉन्स पर। इस पे आपको सारी नोटिफिकेशन नहीं मिलती, कभी कभी तो ये कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं करता और आप जब भी वॉच को ऑन करेंगे वेकअप जेस्चर करके तो आपको आपका लगाया हुआ वॉच फेस नहीं दिखेगा। आपको इस स्क्रीन को पहले स्वाइप करके हटाना होगा तब आप उस वॉच फेस को देख पाएंगे। टच स्क्रीन ठीक है, मैं इसको बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा। इसके अलावा इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस काफ़ी कम है, बाहर तो इस पर कुछ भी पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। और अगर बात करूँ बैटरी लाइफ की तो कंपनी 7 डेज की बैटरी लाइफ क्लेम करती है मगर ये आपको लगभग 4 दिन की बैटरी लाइफ दे देगी विद कॉन्स्टेंट हार्ट रेट चेकिंग। तो एंड में अगर मैं कहूँ बोट की ये पहली स्मार्ट वॉच है, इसका कंपेनियन ऐप भी उतना पॉलिश नहीं, बहुत बार आपकी करी गई सेटिंग्स अपने आप रीसेट हो जाती है मोबाइल ऐप से। मैं इस बोट प्रो गेयर V20 की ओवरऑल पैकेज से भी उतना इम्प्रेस नहीं हुआ। ये अगर 1000 से 1200 की रेंज में होती तो मैं इसे रिकमेंड ज़रूर करता मगर मेरे हिसाब से आपको इन्हें स्किप कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।